नमस्कार, कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा संविधान 22 भागों में बांटा गया है। वैसे तो 22 भाग हैं, लेकिन अगर अलग अलग गिनते हैं तो ये 25 हो जाते हैं। भाग, अनुसूची और अनुच्छेद, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तीनों आपके तैयार होने चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में और कोशिश करते हैं इनको याद करने की। हमारा जो संविधान है, इसमें भागों की संख्या कभी भी आपसे पूछी जाए तो आप तुरंत बताइए कि इसमें 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 हैं और अनुसूचियां कितनी हैं? 12। भाग 22, अनुसूचियां 12 और अनुच्छेद 395। सबसे कम है अनुसूचियां, उसके बाद है भाग और भाग के बाद में है अनुच्छेद। एक एक करके भागों को देखेंगे और संबंधित अनुच्छेदों को भी पढ़ते चले जाएंगे। हमारा संविधान जब शुरू होता है तो चाहे आप भाग की बात करें, चाहे अनुच्छेद की बात करें और चाहे अनुसूची की बात करें, पहला जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है 1 से 4। वास्तव में अनुच्छेद कई होते हैं, लेकिन एक भाग में एक विषय से संबंधित चीजों को रखा जाता है। तो अगर संघ और उसके क्षेत्रों को भाग एक में रखा गया है तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इसी के बारे में बात की जाएगी, इसी के बारे में कुछ ना कुछ दिया होगा। तो अनुच्छेद तो 1 से 4 है, लेकिन भाग केवल एक होगा। तो शुरुआत हो गई संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। अगर संघ होगा, राज्य होगा, क्षेत्र होगा तो उसमें नागरिक भी रहेंगे। बिना नागरिकों के उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं। तो भाग 2 में नागरिकता है, यानी कि अगर कोई क्षेत्र है वहां पे नागरिक नहीं रह रहे हैं, सिटीजन ही नहीं है, तो क्या मतलब है? नागरिकों से ही तो प्रदेश बना है, प्रदेश बना है फिर उसी से देश बना है। तो इनके बारे में फिर बात है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। तो नागरिक हो गए, ये दोनों तो आपको तुरंत याद ही हो गए। अब जब नागरिक होंगे तो नागरिकों के लिए एक अगला ग्रुप हम बना रहे हैं। नागरिक होंगे तो नागरिकों के कुल फंडामेंटल राइट्स होंगे, मूलभूत अधिकार होंगे। अगर अधिकार नहीं तो नागरिकता कैसे और किस काम की? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मूलभूत अधिकारों के बारे में बात की गई है। और नागरिक है तो मूलभूत अधिकार भी उनके होंगे, ये मूलभूत अधिकार है। लेकिन मूलभूत अधिकारों से ही काम नहीं चलता, कुछ DPSP भी हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जो मूल अधिकारों की ही तरह है। तो मूल अधिकारों की तरह ही है DPSP, इनकी बात की गई है भाग 4 में। अब एक ये ग्रुप यहां पर बन गया, इस ग्रुप को तैयार करिए। पहला तो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अगर संघ और राज्य क्षेत्र है तो उसमें रहने वाले नागरिक भी होंगे, और नागरिक होंगे तो उनके होंगे अधिकार और कुछ ऐसे भी नीति निदेशक तत्व भी होंगे जो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा उनको प्रदान किए जाएंगे। राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं। तो ये 4 चीजें क्रम से आप याद कर लीजिए, भाग 1, 2, 3 और 4, ये चारों एक समूह में आप तैयार कर लीजिए। जो आपके अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, ये अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो 12 से 35 में है, लेकिन अगर आपसे DPSP पूछता है तो जस्ट इसके बाद शुरू होते हैं 36 से 51। तो जितना भी 36, 37, 38, फिर 41, 42 से फिर 50 तक और 51 तक, ये DPSP से रिलेटेड होते हैं। एक समूह ये आपका हो गया। आपके अधिकार तो हो गए, लेकिन कुछ कर्तव्य भी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये पहले नहीं थी। अगर आप मूल भागों को जोड़ेंगे तो भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ये हम जाएंगे 22 भाग हमको मिलेंगे। लेकिन भाग 4 में, भाग 4A है या हिंदी में कहते हैं भाग 4 का, जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है। 51 का इससे जो रिलेटेड है वो है 51 का, या इसी को क्या कहते हैं, 51A, अंग्रेजी में 51A कहते हैं। ये मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है। तो मूल अधिकारों की आपने बात की, डीपीएसपी की बात की, और फिर जैसे डीपीएसपी की बात भाग 4 में कर रहे हैं तो वहीं पर इसको रिलेट करके याद करिए, भाग 4 का में मूल कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। इतना तो एक समूह आप बना सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र होंगे, राज्य क्षेत्र और संघ है तो उनके नागरिक भी उसमें रहेंगे, नागरिक होंगे तो उनके मूल अधिकार होंगे, मूल अधिकार के बाद में डीपीएसपी भी, और बिना कर्तव्यों के अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। तो भाग 4 तक का ये हो गया, जिसमें भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया है। तो ये आपका यहां तक तैयार हो गया। अब जो हमारे यहां के पूरा देश है तो उसको संघ, यूनियन और राज्य में बांटा गया है कि नहीं?
तो संघ बड़ा है, केंद्र सरकार बड़ा है, तो पहले बात आती है उसकी, यानी कि कार्यपालिका की बात, संसद की बात, राष्ट्रपति की बात, संघ की जो न्यायपालिका है उसकी बात, कायग की बात, ये संघ वाले अध्याय में इसकी बात की गई है। यानी कि संघ का जो भाग है वो भाग पांच है और इसके फिर पांच अध्याय हैं, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5। तो अध्याय 1 में कार्यपालिका, फिर 2 में संसद, 3 में राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां, ऐसे 4 में संघ की न्यायपालिका और फिर 5 में भारत के कैग की बात की गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद शुरू होते हैं 52 से, जस्ट इसके बाद शुरू होंगे और 52 से शुरू होकर ये चले जाते हैं, 52 के बाद जस्ट 100 आप इसमें जोड़िए तो 152 होगा, लेकिन एक घटा देना है, 52 से 151 तक संघ वाले जो अनुच्छेद है वो 52 से शुरू होते हैं, 100 जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा, लेकिन 99 इसमें जोड़ना है, एक घटा देना है तो 151 तक। और भाग पांच में संघ है तो राज्यों के बारे में भी तो प्रावधान होना चाहिए, जस्ट लगा हुआ उससे राज्य, भाई ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और नीचे क्या है स्टेट की गवर्नमेंट। तो यहां पर भी इसके अंतर्गत फिर 6 अध्याय दिए हुए हैं, जिसमें पहला है साधारण, फिर इसमें कार्यपालिका है, फिर राज्य का विधानमंडल है, वहां पे राष्ट्रपति है तो यहाँ पे राज्यपाल है, फिर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय इसमें एक बढ़ जाता है, अधीनस्थ न्यायालय वहां तो है नहीं, यहां पर आ जाता है। और इसी ये शुरू होता है 151 के बाद 152 से शुरू होता है और 237 तक ये जाता है, 152 से 237 तक। तो आप एक ग्रुप ये बना सकते हैं यहां तक, ये दोनों संघ और राज्य का जो 5 और 6 है, 5 और 6 है, भाई हमारे यहां संघ सबसे महत्वपूर्ण है और ये दिया हुआ है 5 में। जैसे हमने अधिकारों की बात कर ली, डीपीएसपी की बात कर ली, डीपीएसपी की बात करने के बाद में हमने कर्तव्यों की बात कर ली, फिर आ गई हमारे संघ की बारे। और संघ पे अगर आंच आएगी, संघ पे अगर आंच आएगी तो समस्या हो जाएगी। तो 5 और 8 ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, 5 और 8, तो संघ 5, ठीक है। और जो राज्य है, राज्य कहते हैं हम किसी से कम थोड़ी ना है, तो मोदी जी कहते हैं अच्छा ऐसा तुम कम नहीं हो, तो ये 6, अच्छा से ये 6 आ गया। मतलब राज्य के सीएम कहते हैं भाई आप पीएम हो गए मोदी, तो मोदी कहते हैं अच्छा तो सीएम होके बात करोगे, तो ये 6 में अच्छा कौन बोलता है सीएम लोग, तो ये राज्य हो गया। फिर 7वां एक है, 7वें का कोई मतलब नहीं है, ये निर्सित किया जा चुका है पहली अनुसूची के भाग खा में, राज्य संविधान संशोधन, जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था, तो संविधान का 7वां संविधान संशोधन ही भाग 7 को निर्सित कर चुका है। तो 7 के द्वारा निर्सित हो चुका है, 1956 का एक अधिनियम लाया गया था उसके द्वारा। तो कभी पूछा जाएगा क्या तो निर्सित हो गया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर आगे बारी आती है भाग 8 की, ठीक है, किसकी बारी आती है भाग 8 की। अब ऊपर हो गया, देखिए 5 में मैंने कहा संघ और 6 में हमने क्या कहा राज्य, इसके बाद में 7वां हो गया निर्सित, 6 और 7 फिर एक साथ भी आते हैं तो वो हो जाता है 8, संघ और राज्य, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र भी इसको कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, इसका नाम क्या होता है संघ राज्य क्षेत्र। तो चाहे संघ राज्य क्षेत्र कहिए और चाहे केंद्र शासित प्रदेश कहिए, एक ही चीज है ना। तो ये आपका आ जाता है किसमें, 8 में, केंद्र शासित प्रदेश किसमें आ जाते हैं 8 में, संघ राज्य क्षेत्र किसमें आते हैं 8 में। और इसका अनुच्छेद है 239 से शुरू होता है, 4 ही अनुच्छेद है, 242 तक जाता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जैसे आपने पढ़ लिया, तो इसको आप रिलेट कर दीजिए किसके साथ, 5, 6, 7 निर्सित है और 8, तो 3 साथ में याद करिए, 5, 6 और 8 ये एक साथ याद हो गया। यहां पे संघ है, यहां पे राज्य है और फिर संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ भी है और राज्य भी, यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं। फिर हम बात करते हैं 9, 9A और 9B की, इन तीनों की बात करते हैं। 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं, कितने लोग बैठ के, 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं, ऐसे ही ग्रुप बनता है ना, तो 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं, तो 9 में पंचायतें हैं। कुछ पंचायतें शहरी क्षेत्रों में चल रही हैं तो कहेंगे भैया 9A, और कुछ सहकारी टाइप की समितियां बना के पंचायतें चल रही हैं तो 9B। 9 में पंचायत की बात की गई है, 9A में शहर में पंचायत हो रही है ना, नगर में लोग कर रहे हैं तो नगर पालिकाएं, और फिर 9B में है सहकारी समितियां।
यहां पर अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 243 से ये शुरू होता है, 243 में ही आगे जाएंगे तो 243 यहां तक ही आता है, 243 तक आता है। फिर जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं भी 243 में है, और ये है ता से या छा तक, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं पी से जेड जी, 243 पी से 243 जेड जी यहां तक ही आते हैं। और जो सहकारी समितियां हैं ये कई बार पूछी गई हैं, 243 जेड एच से शुरू होती हैं और ये जेड टी तक जाती हैं। इस समय यहां से प्रश्न बहुत बन रहे हैं, पीसीएस में यहां पे सवाल बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं, आईएएस में सवाल यहां से बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। तो 9 को याद करिए, 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं, शहर में पंचायत भाग 9A, और फिर सहकारी समितियां, सहकारी समिति में भी लोग मिलते हैं बैठते हैं, तो इनके अनुच्छेद भी याद रखिएगा। इतना ये हो गया। अब वो समय आ गया जब अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में भी बात की जाए। बस अब बहुत हो गया, है ना। तो 10 भाग 10 जिसमें एससी और एसटी की बात की गई है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल जो एरियाज हैं उनकी, और ये 244 से शुरू होता है और 244A, अलग कुछ नहीं है, 244 और 244A, बस इसी में ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो 10 यानी अब बस बहुत हो गया, इनके साथ अन्याय बहुत हो गए या इनको नजरअंदाज बहुत किया जा चुका, और 10 में इनके बारे में बात की गई है। भाग 11 में चलते हैं। 11 जो है संघ और राज्यों के बीच में संबंधों की बात करता है। भाग 5 याद करिए, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं, भाग 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 निरसित है, 8 में संघ और राज्य जो यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है, लेकिन वो संघ राज्य क्षेत्र है। फिर 9 में हमने पंचायत किया, जब पंचायत किया तो डिसीजन निकला कि हम अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों को भी शामिल कर लें। अब बस बहुत हो गया, तो 10 में उनको लाया गया। जब ये हो गया तब हमने कहा अब चलो संबंध बनाते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, तो संघ और राज्यों के बीच में भाग 11 में संबंध है। तो ऐसे कर लीजिए, 11 यानी दो बार एक एक आ रहा है ना, यानी एक एक बराबर है दोनों, एक और एक 11, संघ और राज्य मिलके दोनों अगर साथ में चलेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, विकास भी अच्छा होगा। तो संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें दो अध्याय है, अध्याय एक में विधायी संबंध की बात की गई है, लेजिस्लेटिव रिलेशन किसके किसके, संघ और राज्यों के बीच में, एक एक दोनों की वैल्यू है, राज्य भले छोटे हैं लेकिन राज्यों से मिलके ही संघ बना है, और दूसरा है प्रशासनिक संबंध, ये दोनों की बात की गई है, और अनुच्छेद 245 से शुरू करके 263 तक इसमें वर्णन किया गया है इसके बारे में, 245 से 55 तक जो उसमें विधायी संबंध है, और 256 से 263 तक फिर संबंध आ जाते हैं प्रशासनिक। अब जब केंद्र और राज्यों के संबंध बन गए, तो संबंध बनने के बाद में उसने कहा कि देखो अब चलो करते हैं बंटवारा। आ गया 12, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, कुछ भी होगा तो अब होगा बंटवारा, तो इससे आ गया 12, चाहे वित्त का बंटवारा हो, चाहे संपत्ति यानी कि ऋण की बात की जाए, संपत्ति की बात की जाए, चाहे ऋण की बात की जाए, चाहे संविदाओं की बात की जाए, संपत्ति के अधिकार, राइट टू पॉवर्टी भी अनुच्छेद 300 का उसकी बात करते हैं ना, 300A, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। 264 से लेके 300A तक, 264 से शुरू होता है और 300A ये बाद में जोड़ा गया है, तो 300A यहां तक ये वित्त संपत्ति और वाद, यानी कि अब संघ और राज्यों एक एक मिलके, यानी हम बराबर हैं बिल्कुल, 11 बन गए, एक एक मिलके 11, यूनियन में ताकत होती है ना, यूनिटी में ताकत होती है ना, और अब कहते हैं वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद का चलो करते हैं अब बंटवारा, तो 12 बंटवारा, ये 12 हो गया। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, इसने कहा कि 13 क्या है, संघ ने कहा 13 क्या है, तो राज्यों ने कहा कि भाई हमारे यहां भी कुछ व्यापार वगैरह होता है, तो भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर, तो संघ पूछ रहा है 13 क्या है, तो कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार व्यापार है वो राज्यों ने बताया, मेरा यह है। 14 में संघ और राज्यों की अधीन जो सेवाएं हैं, जो आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप शामिल होना चाहते हैं, तो इन सेवाओं की बात इसी में की गई है, अध्याय एक में सेवाओं की बात की गई है, और अध्याय दो में इसी में लोक सेवा आयोग आता है। तो 14 है ना, 14 ऐसे याद रखिए कि जो सेवाएं हैं वो 14 में है, ठीक है। कहीं 13 क्या है, तो कहीं कि हमारे यहाँ वाणिज्य व्यापार और ये सब चल रहा है, तो भाग 13 हो गया, और उसी के बाद में
अब चल रहा है तो वो कैसे चलेगा, उसके लिए एक मशीनरी की जरूरत होगी। तो इसमें हमने बात की संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं, 308 से 323 अनुच्छेद 308 से 323, और ये जो भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार की बात की गई है तो ये 301 से 307 के बीच में ये आता है। फिर आता है भाग 14A, अधिकरणों की भी जरूरत पड़ती है, केवल सेवाओं से काम नहीं चलेगा, तो 14A में अधिकरण है। 14A, 14 में क्या है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो 14 में भाग जो 14 है इसके अंतर्गत सेवाएं हैं, लेकिन केवल सेवाओं से काम नहीं चल रहा है, कुछ अधिकरणों की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भी व्यापार हो रहा है। 13 में पूछा था ना तो 13 क्या है ऐसे। अब जब लोकतंत्र है हमारे यहां तो निर्वाचन भी होते हैं, है ना, तो यह है भाग 15। क्या है भाग 15, 5 लोग चुनाव लड़े केवल एक ही जीता, चुनाव लड़े 5 लोग, 5 से ज्यादा भी लड़ सकते हैं, लेकिन यहां पे याद करिए पंची का चुनाव था, 5 लोग लड़े एक लोग जीता, तो निर्वाचन इसमें बात की जा रही है, निर्वाचन की। निर्वाचन के अनुच्छेद पूछे जाते हैं, निर्वाचन के अनुच्छेद 324 से शुरू होते हैं, 324 और 324 से शुरू होके ये आपके चले जाते हैं 329 तक, 329 तक, 329। और जो अधिकरण है, अधिकरण 323 में ही है, अधिकरण केवल एक अनुच्छेद इससे रिलेटेड है, 323 ए और बी इसके अंतर्गत आता है। तो निर्वाचन हमने करा लिया, तो क्या निर्वाचन में ऐसे कैसे निर्वाचन आपने करा लिया, कुछ विशेष वर्ग हैं उनके बारे में, एससी एसटी के बारे में आपने सोचा, एंग्लो इंडियंस के बारे में सोचा, पिछड़े वर्गों के बारे में सोचा, तो कहे कुछ विशेष वर्गों के बारे में भी तो सोचो, ऐसे कैसे चुनाव करा ले रहे हो, अपने लोगों को ही चुने ले रहे हो। तो जस्ट 15 के बाद में, 15 कैसे याद रखेंगे, भाग 15, 5 लोग चुनाव लड़े, पंची का चुनाव था, 5 लोग, पंच यानी 5 और एक लोग जीते, तो यानी निर्वाचन हो गया। तो कहे ऐसे कैसे, कुछ विशेष वर्गों के विषय में तो उपबंध होगा, तो भाग 16, जस्ट चुनाव के बाद में विशेष वर्गों की ध्यान, विशेष वर्गों की बात हो रही है, उनका ध्यान आ रहा है, चुनाव के समय तो सारा ध्यान आता है ना, तो ऐसे याद रखिए। और ये जब बातचीत होती है किसी भी तरीके की, विशेष वर्गों की बात हो या निर्वाचन हो, कुछ भी हो, तो भाषा की जरूरत पड़ती है भैया, चाहे वो किसी भी स्टेट की भाषा हो, चाहे संघ की भाषा हो, चाहे प्रदेश की भाषा हो। और जब कोई डिसीजन आता है विशेष वर्गों के बारे में उपबंध करना है, तो कहे किस भाषा में करें, तो कहे कि भैया सर्वोच्च न्यायालय जो भाषा माने, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने भाषा अपनी दी, कुछ निर्देश जारी किए। तो ये भाग 17 में है, 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा है ना। और हमेशा न्यायालय भाषा सिखाता है तो वो यही कहता है कि भाषा के बारे में कि अंग्रेजी में हम बात करेंगे, लेकिन पीछे से एक लगा देता है कि हिंदी भी, हिंदी की कम वैल्यू थोड़ी है, सब साथ साथ है, एक साथ है, सारी भाषाएं एक साथ है, राजभाषा और सब, ये सब एक साथ है, अंग्रेजी में बात करेंगे और उसके बाद भी कहते रहेंगे, तो सब एक साथ है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी, एक साथ यानी एक साथ भाषाएं हैं हमारे यहां, एक साथ 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 भाषाएं सारी चलती रहती है, अंग्रेजी में भी लोग बोलते हैं, हिंदी में, तो ये राजभाषा हो गया। किस कुछ विशेष वर्गों के लिए जो उपबंध है, ये भाषा वाला जो है ये 343 से शुरू होता है और 351 तक जाता है, और विशेष वर्गों के लिए जो उपबंध है, विशेष वर्गों के लिए उपबंध 330 से 342 तक है, 330 से 342। ये यहां पूछा नहीं जाएगा ज्यादा, लेकिन दिमाग में रखिए। कभी कभी क्या होता है, भाग 18 देखिए, अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल के, और 18 साल के होके शादी वगैरह करते हैं, किसी के साथ अपना फैसला लेते हैं, तब तो ठीक है, और इससे अगर कम में कर लेते हैं तो आपात की स्थिति आ जाएगी, जान लीजिए आपके जीवन में तो वो आपातकाल ही होगा, है ना, इमरजेंसी प्रोविजन इसी में दिए हैं। अगर 18 से कम में कर लिया तो 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 कट ऑफ इसीलिए रखा गया है। तो 352 से 360 के बीच में आपातकालीन उपबंध, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं जब हम अगले किसी क्लास में बात करेंगे अनुच्छेदों के तहत, तो कौन सा उपबंध किसमें है ये बात करेंगे। फिर ये मिसलेनियस है, प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस, मिसलेनियस, तो ये भाग 19 मिसलेनियस है, कभी आपसे वैसे पूछा भी नहीं जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट है 20, है ना, 20, 20 है संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का संशोधन
भाग 20 में रखा गया है। ठीक है, राहुल गांधी ने मोदी से कहा कि अब ना निपोरो खीस, ऐसे खीस भाई। हमेशा मोदी जी तो जब बोलते हैं तो झूठी मुस्कान भी एक दिखती है, हंसते रहते हैं, तो राहुल भी हंस रहे थे। उन्होंने कहा आप मत निपोरो खीस, है ना, अब खीस मत बनाओ, मुहावरा है ना ये खीस निपोरना, तो खीस मत बनाओ, अब आ गया 20, अब कर दो संशोधन, बहुत हो गया, तुमने जो बना रखे हैं अपने सब तरीके उसमें करो संशोधन, है ना। तो खीस की जरूरत नहीं है, 20 की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है, सब बदल देने की जरूरत है। 368 में अनुच्छेद जो 368 है उसमें संशोधन की बात की गई है। ठीक है, फिर अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबन, जब संशोधन होगा तो कुछ विशेष भी हो जाएगा, जस्ट उसके बाद 21 में और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 22 में सबसे लास्ट में देखिए पाठ की हो रही है समाप्ति, तो प्राधिकृत पाठ और निरसन, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, जब सब सबके बारे में आप जान गए सब कुछ तो संक्षिप्त में भी आप बुला सकते हो, जैसे किसी का नाम कुछ है आपने जान लिया तो आप शॉर्ट में भी बोल सकते हो। तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी कि जितना भी ये सारा कुछ है लास्ट में ही तो आप कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक यही दिया हुआ है। ठीक है, और अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध 369 से 392 तक ये दिया हुआ है। तो ये आपके रहे भाग, ग्रुप में करके इसको याद रखेंगे तो काफी अच्छे से ये तैयार रहेगा। सबसे पहले हमने शुरू किया कि संघ होगा, संघ में नागरिक रहेंगे, नागरिकों के कुल अधिकार होंगे और उनके डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व उनके लिए, और लेकिन बिना मूल कर्तव्यों के वो बेकार है। तो चार तक बात ये हो गई, चार ए में ये मूल कर्तव्य है। भाग 5 में आपका संघ है, अगर संघ नहीं है यानी कि सेंटर नहीं है तो कैसे देश चलेगा, लेकिन उसी से लगा राज्य का छठा भाग कहता है कि राज्य भी है, संघ और राज्य दोनों मिलके, सातवां तो सातवें के द्वारा निर्सित हो गया, आठवें इकट्ठा हो जाते हैं संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो एक समूह ये बना लीजिए 5, 6, 7 और 8 का, जिसमें 7 निर्सित है। 9 में पंचायत कर रहे हैं 9 लोग बैठ के, पहली पंचायत शहर में हो रही है 9A, दूसरी सहकारी समिति बना के हो रही है, तो ये 9 आपका हो गया। और 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अब बहुत हो गया बस, है ना, अनुसूचित और जनजातियों को, अनुसूचित लोगों को और जनजातियों को कब तक आप नजरअंदाज करेंगे, तो अब बस। ठीक है, 11 में हमने कहा एक एक दोनों अगर मिल जाए तो 11 होते हैं, अगर अगल बगल खड़े हो जाए एक के साथ, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध ऐसे ही होने चाहिए कि हम मिलके 11 हो जाएंगे, 2 के बजाय हम 11 हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे 11 में ये लोग मिले तो 12 में वित्त संपत्ति संविधाएं और बात कहेंगे कि अब चलो हो जाए बंटवारा, तो आ गया 12। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के उसे संघ ने पूछा 13 क्या है, तो कहे हमारे यहां भी व्यापार वाणिज्य और समागम है राज्य क्षेत्र के भीतर, संघ पूछ रहा है तो वो बता रहा है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अब ये कैसे सब संपन्न हो पाएगा, व्यापार वाणिज्य और समागम, तो सेवाओं की बात होगी और सेवाओं के बाद में जरूरत पड़ेगी अधिकरण की भी। ठीक है, 1 और 5 यानी कि 15 पंची का चुनाव हो रहा था, 5 लोग चुनाव लड़े, 1 लोग जीते, तो ये निर्वाचन की बात इसमें आती है। और 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, निर्वाचन ऐसे ऐसे आपने कर लिया तो 15 के जस्ट बाद 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध। और 17 में आते हैं राजभाषा, कहे कि हम सारी भाषाएं हमारे यहां एक साथ है, एक जैसी ही बोली जाती हैं, अंग्रेजी भी वही व्यक्ति बोलता है, हिंदी भी बोलता है, कन्नड़ भी बोलता है, इस तरीके से। 18 में आपातकालीन, अगर 18 साल से छोटे हो और आपने कुछ शादी वगैरह कर ली तो केस हो सकता है, खास करके अगर घर वालों ने नहीं किया, और वैसे भी आपके जीवन में आपात हो जाएगा अगर 18 के पूरे हुए बिना शादी कर लेंगे। 19 प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस है 19। 20 में खीस से आपने याद किया था, राहुल जी ने मोदी जी से कहा कि अब कर दो संशोधन, बहुत हो गया, खीस मत बनाओ। 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध है, और 22 में है संक्षिप्त नाम, लास्ट में जब आप जान गए पाठ हो गया समाप्त, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन, ये है टोटल। आप देखेंगे तो 1-4 का आता है और दूसरा यहां पर देखिए भाग 9 का और यहां पर ये खा आता है, तो टोटल 22 में 1-4 का और 9 का खा, ये जुड़ के 3, तो टोटल वैसे 25 हो जाते हैं, लेकिन कभी 25 टिक मत कीजिएगा अगर ऐसी लैंग्वेज देखे पूछा नहीं जाता है, 22 ही आप बताइएगा। तो ये रही आपकी भागों की क्लास, आगे हम कभी मिलेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में तो अनुसूची की बात कर लेंगे और फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। थैंक यू सो मच।